डिराइव कर सकते बट द थिंग इज कि अभी तक जिन लेंसेज की हम लोग बात कर रहे थे, लेट्स से थिन लेंसेज फॉर इंस्टेंस की ही बात चल रही थी, व्हाट वी बेसिकली सॉ वाज फॉर द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस हम लोगों ने ये इन सारी चीजों के लिए सॉल्व किया कि जो भी पॉइंट्स हमारे एक्सिस ऑफ द लेंस पे है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास वो है, तो यहाँ पे अगर वो कोई इमेज वो डैश फॉर्म कर रहा है इस लेंस के थ्रू, तो हमें पता है कि फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस के लिए ही हम लोगों ने देखा यू लूज 1/f = 1/ S plus में 1/s' S is the object distance, S' image distance, F is the focal length, जो कि the respective index of refraction of the medium से find किया जा सकता है. Now the thing is कि interesting point आता है कि अगर मेरे पास यही thin lens and ये object को यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे रखा हुआ है, for points of the axis of the lens, तब आप कैसे solve करोगे? तो ये जो चीज होती है फॉर पॉइंट ऑफ द एक्सिस, तो इसके लिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास थिन लेंस है इसे मैं एक लाइन से बस रिप्रेजेंट कर देता हूँ. आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दिस थिंग जस्ट बाय अ लाइन, क्योंकि ऑब्वियसली थिन लेंस है तो इट वॉन्ट मैटर. एंड यहाँ पे हम लोगों बस एक ऐसा का बेसिकली थोड़ा काइंड का क्लियर डायग्राम बनाने के लिए लेट्स से ये मैंने एक लेंस एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया. मैंने यहाँ पे पॉइंट ओ पे एक ऑब्जेक्ट रखा at a distance, at a vertical distance, let's say y to this particular, यहाँ पे देखा जाए at a vertical distance y to the axis of the lens, ठीक है? इस lens के पास यहाँ पे एक focal point होगा, जो कि एक focal length f पे होगा, यहाँ पे एक focal length f distance पे आपके पास एक focal point होगा. अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो clearly दो जो rays होती हैं that are coming out or entering or coming out of any lens, जो कि मेनली हमारी रेज ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो कि रे पैरेलल टू द लेंस एंटर करती है, जो कि रे इस लेंस में पैरेलल एंटर करती है, एंड बेसिकली पैरेलल टू द लेंस, यहाँ पे पैरेलल टू द लेंस एक्सिस इनफैक्ट एक बेटर टर्म होगा, जो कि रे थ्रू द फोकल पॉइंट एंटर करती है, थ्रू द फोकल पॉइंट या फिर थ्रू द फोकस यहाँ पे ऑफ द लेंस एंटर करती है. इन दो रेस को अगर आपने ट्रेस कर लिया, मतलब सब कुछ कर लिया, मतलब आपको इमेज यहाँ पे मिल गई कि कौन से पॉइंट पे वो इमेज बनेगी, तो हम लोग क्या करते हैं इन्हीं दो रेस को ट्रेस करते हैं. एक तो आपके पास थ्रू द फोकल पॉइंट है, जब ये रे बेसिकली थ्रू द फोकल पॉइंट जाती है तो हमें क्लियरली पता है कि थ्रू द फोकल पॉइंट जाने पर ये थ्रू द अदर साइड ऑफ द लेंस कहाँ कैसे पैरेलल टू द लेंस निकलेगी. ये रे पैरेलल टू द लेंस निकल गई. जब ये वाली रे पैरेलल टू द लेंस निकलेगी, हम लोग दूसरी रे को ट्रेस करेंगे जो कि इस लेंस एक्सिस के पैरेलल जा रही है. अब ये कैसे जाएगी, ये बस ये थ्रू द अदर फोकल पॉइंट पास करेगी एट दिस काइंड ऑफ टिल्टेड एक्सिस. तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ समथिंग लाइक इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट आपको कॉम्बिनेशन का दिख रहा है जहाँ पे दोनों रेज मीट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है. तो इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी, इसका जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस y डैश टू दिस एक्सिस कर लेते हैं. अगर मेरी एक डिस्टेंस x टू द फोकल पॉइंट ऑन दिस साइड ऑफ द लेंस है, तो इस साइड ऑफ द लेंस पे इस डिस्टेंस को मैंने लेंस से x डैश कर दिया, ठीक है? टू द फोकल पॉइंट में डिस्टेंस ले रहा हूँ, मतलब ये पूरा डिस्टेंस x प्लस f हुआ, ये वाला x डैश प्लस f डैश हुआ. अब हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का रूल अप्लाई करें. ये अगर मेरे पास y डैश है तो ये भी y डैश हुआ, ये वाला y है तो ये भी वाला y हुआ, ये मेरे पास f है, ये मेरे पास f है. अगर आप देखोगे ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल हो नॉट इक्वल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये वाला जो ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तो इसके इक्वेशन अगर लिखते हैं हम, सो वी कैन राइट कि y अपन x शुड बी इक्वल टू y डैश ओवर f. वैसे इस ट्राइंगल के लिए इक्वेशन लिखेंगे y ओवर f शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू y डैश ओवर x डैश. यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, y डैश ओवर y निकालूंगा, y डैश ओवर y इस इक्वेशन से क्या हुआ, f ओवर x के इक्वल हुआ. एंड वही चीज y डैश ओवर y इस इक्वेशन से क्या हुआ, x डैश ओवर f के इक्वल हुआ. मतलब आपको f की वैल्यू क्या मिली, x x डैश, इनफैक्ट f स्क्वायर की वैल्यू मिली.
तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, एफ स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, एक्स एक्स्ट्रा है। दिस इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला का सिर्फ एक दूसरा ही फॉर्म है। दिस इज ऑल्सो जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ लेंस फॉर्मूला। यहाँ पे आपको क्लियरली इस लेंस की फोकल लेंथ तो पता ही होगी, फोकल लेंथ तो पता ही होगी आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस टू द फोकल पॉइंट हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने रखा है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इमेज डिस्टेंस, नॉट एग्जैक्टली इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस माइनस ये फोकल लेंथ। मतलब एक्स डैश मिला तो एस डैश आपको कैसे मिलेगा, एस इज जस्ट इक्वल टू एक्स प्लस एफ, एस डैश इज जस्ट इक्वल टू एक्स डैश प्लस एफ। यही चीज करना है। दिस इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ लेंस फॉर्मूला, बट एन इक्वेशन फार मोर एलिगेंट दैन द प्रीवियस वन दैट यू हैव बीन यूजिंग। ये चीज हमें मिल गई। यहाँ पे एक और चीज अगर आप देखो तो क्लियरली पता चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लियरली मुझे ये चीज तो मिल गया, वाई मुझे ऑब्वियसली पता होगा कि किस हाइट पे मैंने इसे रखा है। तो वाई डैश ओवर एफ, यहाँ से अगर आप देखोगे वाई डैश ओवर एफ नॉट वाई डैश ओवर वाई, जो कि मेरे एफ ओवर एक्स के इक्वल होता है। दिस थिंग इज बेसिकली हमारे, अगर इस ये ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने, अब यहाँ पे देखो अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने एग्जैक्टली इस ऐसे पॉइंट पे नहीं रखा है, बट व्हाट आई हैव डन इज कि मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट कोई एरो है, ये ऑब्जेक्ट खुद ही एक एरो है, तब आपको क्लियरली पता है कि ये जो एरो है इसके पॉइंट के लिए यहाँ पे इमेज बनेगी, इस पॉइंट के लिए यहाँ पे इमेज बनेगी, ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसके लिए यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इससे आपको पता क्या चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है जो कि प्रीवियसली वाई थी, अब यही हाइट वाई डैश हो गई। यहाँ से आता है कंसेप्ट मैग्निफिकेशन का, विच इज व्हाट, विच इज वाई डैश ओवर वाई। इस केस में आपको एफ ओवर एक्स के इक्वल मिल रहा है, जो आपकी, जो आप एक्स डैश ओवर एफ के भी इक्वल लिख सकते हो। दिस इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन कम्स फ्रॉम। पहले मैंने इसे सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ एक पॉइंट लिया जिसके थ्रू मैंने बेसिकली फोकल पॉइंट के थ्रू एंड यहाँ पे पैरेलल टू द लेंस एक्सिस के मैंने रे ट्रेस किया एंड यहाँ पे एक इमेज बना दिया। अगर यही चीज इनफैक्ट एक ऑब्जेक्ट होता जो कि मैंने कंसिडर समथिंग लाइक आपका एक एरो हो गया, तब यहाँ पे कुछ ऐसे इसकी एक कंप्लीट इमेज ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ही बन जाएगी, जो कि मैग्नीफाइड होगी एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट एवर फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हैव, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसकी मैग्निफिकेशन मिलेगी कि ये जूम इन हुआ है या फिर यही चीज जूम आउट हुई है। सो दिस इज बेसिकली वेयर द कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इटसेल्फ कम्स फ्रॉम एंड दिस इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ लेंस फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग किया है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइंड एंड थैंक्स टू यूनिवर्स।